तो गाइस आज आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की तिल्लियों को रिता देना है, फेंक देना है, और हमको चाहिए एक हॉल। तो हॉल के नीचे हमको चेपक से चिपका देना है। तो मैं कैमरा को पास लेकर आ जाता हूँ। तो गाइस मैं अपने कैमरे को अपने थोड़ा कैमरा के फोन में थोड़े पास ले आया हूँ। तो अब हमको जो है ये जो हॉल है ना माचिस का, इसके बेस यानी निचली तरफ थोड़ी सी चेपक चिपका देनी है बिल्कुल एक सार। तो गाइस थोड़ा हाथ कैमरे से फ़ोन से बाहर चला गया, फ़ोन के कैमरे से बाहर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चिपका लेना है। तो मैं चिपका रहा हूँ। अभी ये जो है पूरे अच्छे तरीके से नाव की तरह नहीं लग रही है, तो नाव की तरह दिखाने के लिए इसको एक झंडी लगा देंगे। झंडी जो हवा जांचने के लिए जो होते हैं नाव बोट में, तो मैं एक झंडी का इंतजाम करता हूँ। तो गाइस मैंने एक झंडी का इंतजाम करने का आइडिया निकाल लिया। तो आइडिया ये है कि आप भी एक माचिस की स्टिक यही लेंगे, तिल्ली कहते हैं जिसके, इस पर एक चेपक लगाकर कुछ इस तरीके से काट लेंगे और इसको एक झंडी की तरह डिजाइन दे देंगे। ये देखिए। तो गाइस इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो नाव है ना, ये पेन की साई से चलेगी, पेन की साई इंक जो हम पेन के सिक्के से निकाल लेंगे, ना ही कोई फ्यूल, ना ही कोई मोटर, ना ही कोई मतलब समझ जाओ आप, कोई भी फ्यूल नहीं है, बस एक जो इसमें थ्रस्ट देने के लिए वो सिर्फ इंक होगी, इंक। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारी नाव जो है वो अच्छी सी लगने लगी है, खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी, हैंडसम सी। तो गाइस मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको पेन के सिक्के का नाफ करके जो साई निकलेगी, इंक निकलेगी, उसको कहाँ लगाना है। तो इस नाव के पिछले हिस्से पर लगानी है इंक को। गाइस देखिए मैंने एक पानी में तफला ले लिया है, तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल शांत है, वाटर है ये पानी पीने वाला। और देखिए मैं इसकी चांच को अपने मुँह से पकड़ कर निकाल दूंगा, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें जो है पीछे की तरफ फूंक मारेंगे तो आगे से साई निकलेगी। तो यहाँ पर हमको साई को लगा देना है, नीचे की तरफ नहीं लगाना, पीछे की तरफ लगाना है। आइडिया काफ़ी यूनिक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए ये देखिए अटक गई नाव। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है आपको, मुझे पता है आप सोच रहे हैं कैसे चल रही है। तो यार ये इसका रीज़न ये है कि जब हम इंक को डालते हैं तो ये पानी पर अपना थोड़ा सा पीछे की तरफ थ्रस्ट डालती है, तो वो थ्रस्ट कुछ इस तरीके से होता है कि सही पानी पर गिरती है, अचानक से फैलने की कोशिश करती है, और ये पीछे की तरफ फैलती है तो नाव पर आगे की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगता है जिससे नाव आगे की तरफ चलने लगती है, थोड़ा घुमावदार है आप समझ लीजिए कुछ भी। ये देखिए बिल्कुल अभी वो बोट की तरह ही वर्क कर रही है, अटक गई यार इसमें, मतलब थोड़ा थ्रस्ट कम है, इतना नहीं है जो फोर्स लग रहा है थ्रस्ट से। तो ये देखिए दोबारा ये फिल्म भी बन रही है, कुछ फिल्म यानी परत भी बन रही है इंक की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोबारा लाइक करने करूँ शायद, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं 60-65 सब्सक्राइबर है, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपको इंक को निकाल देता हूँ मैं दोबारा। यहाँ पर आपको अलग ही दिख रहा होगा कि पानी में कोई भी वेव नहीं है जिससे कि नाव हमारी पानी हिलता रहेगा जब भी चल जाती है, अगर बहुत से फेक यूट्यूबर जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फेक वर्क नहीं है। तो वीडियो लाइक कर देना इसलिए, यार कई बार लाइक को कह दी नू मत कह लाइक मांग रहे यार, गलती से मुंह फिलकर जा डायलॉग बन गया। यहाँ पर एक और लाइक का ऑप्शन आ गया, क्योंकि जो भी पी अक्षर के नाम वाले लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके नाम का लेटर बन गया है ऑटोमेटिकली। देखिए पी अक्षर वाले नाम लोग, पी अक्षर के नाम वाले लोग लक्की हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।